एवरीबडी प्लीज कीप क्वाइट माइक्स आर नॉट वर्किंग अप एकदम सिर्फ जय हो इतने लोग हैं और जय हो इतना सुस्त जय हो जब कहूं तो जोर से कहना जय हो ये हुई ना बात तो लीजिए आज हम फिर अपनी बापूजी के लिए म्यूजिकल पूजा लेकर हाजिर हैं आप सबके सामने आप लोग जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप जानते हैं कि 17 तारीख को महीने के हर 17 तारीख को हमें बापूजी को याद करने के लिए तो कोई एक तारीख की जरूरत नहीं है लेकिन एक फिर भी हमने अपने मन में हमारे दिल में हमारे मस्तिष्क में एक तारीख तय की है कि उस दिन हम संगीत के माध्यम से सुरों को लेकर बापूजी को सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि बापूजी वी लव यू और हमारा जो जीवन है इन सुरों के लिए जिसमें आप जीते आ रहे हैं और आज भी जी रहे हैं चाहे इस धरती पर हो चाहे ईश्वर के पास हो आप सुरों के बीच में ही जी रहे हैं और हमारा भी जीवन आप ही को यानी को इन सुरों को ही समर्पित है आपको बहुत बहुत साष्टांग दंडवत प्रणाम बापूजी आपको मिस करना आपको याद करना ये हमारे हर सांस के साथ ये जुड़ा हुआ एक सच है लेकिन जब भी सुरों के बीच में होते हैं तो हमेशा ऐसा लगता है कि आपके पास है और इसीलिए ये 17 तारीख जिसको हम म्यूजिकल पूजा कहते हैं जो आपको समर्पित है और हमें ये विश्वास है अगर आपको अच्छा लगा तो आपकी तो वैसे भी हम हमेशा ही कहते थे कि आपकी तो हॉटलाइन चलती है अपने केष्टो भगवान के साथ तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप केष्टो भगवान को कहेंगे कि देखो ये बच्चे लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं इनको आशीर्वाद दीजिए इसी प्रार्थना के साथ आज की ये म्यूजिकल पूजा का आरंभ कर रहे हैं आज के जो हमारे सबसे पहले इस म्यूजिकल पूजा को अर्पण करने के लिए आए हैं वो है हमारे देश के जिनको बापूजी मुझे लगता है देश की बात तो सब जानते ही हैं कि वो देश के कितने महान कलाकार हैं लेकिन जो एक बात बापूजी ने उनके लिए कही और अब सब कहते हैं बल्कि ये उन बापूजी का ओरिजिनल थॉट है कि वो ऐसे कलाकार हैं जिनको हरि ने प्रसाद में बांसुरी दी है उनके लिए बहुत जोरदार तालियां जोर से हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमने अपने जीते जी संगीत मार्तन पंडित जसराज जी पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद जी चौरसिया जी जैसे कलाकारों को बहुत नजदीकी रूप में सुना और उन सुरों से हम सराबोर होते रहे हैं और हमेशा होते रहेंगे और आज पंडित जी के यानी कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी के जो एक प्यारा सुर यानी कि उनके बहुत एक अजीज शिष्य जो उनके साथ पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं आप लोगों ने पिछले 15 साल 20 सालों में देखा होगा कि ये कलाकार पंडित जी के बहुत निकट उनके बहुत सारे कलाकारों में हमेशा उनके साथ रहते हैं और इसीलिए मैं ये समझती हूँ कि जो गुरु की सेवा करता है गुरु जी का जो आशीर्वाद पाता है वो हमेशा कहीं ना कहीं ईश्वर तक उसका जो संगीत है उनकी जो मेहनत है वो पहुँचती है क्योंकि गुरु के आशीर्वाद में वो ताकत होती है तो जिन्होंने ये अपने गुरु का आशीर्वाद पाया है वो यहाँ पर मौजूद है वो है विवेक सोनार उनके लिए बहुत जोरदार और विवेक के बारे में बताना चाहूँगी कि ये बहुत ही एक इनोवेटिव आर्टिस्ट है म्यूजिकली एंटरप्रेन्योर है वो भी म्यूजिकली है और
साथ ही मैं कहूंगी कि इन्होंने जितनी शिष्य पंडित जी के होते होते इसी जीवन में उन्होंने वो बहुत बड़ा एक स्थान गुरु का भी बनाया है, जो खुद इनके बहुत सारे शिष्य बहुत अच्छा बजा रहे हैं। और अगर कभी अवसर मिले तो वो एक थाना में एक प्रोग्राम बहुत बड़ा करते हैं, जहाँ पर इनके सारे शिष्यों को आप सुनने का भी सुअवसर आपको मिल सकता है। प्लीज़ गो फॉर इट। और बहुत अच्छा बजा रहे हैं और उसमें कितनी कड़ी मेहनत है विवेक की, वो आपको दिखाई देगी। सो एज अ स्टूडेंट ऑफ हिज गुरु, एज अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, देन एज अ गुरु टू हिज स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो टीचिंग मैनी स्टूडेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, प्रॉबली वन ऑफ द वेरी फर्स्ट गुरुज हु स्टार्टेड टू टीच म्यूजिक ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड यूज दिस प्लेटफॉर्म टू द ऑप्टिमम, आई वुड से माय गुरुकुल। और इस ऐप के जरिए विवेक ने बहुत सारे लोगों को पूरे वर्ल्ड में अपने अपने बांसुरी का स्वर पहुँचाया है और बहुत लोग उनसे सीखते हैं। तो आई एम ट्रूली हैप्पी। और ऑल्सो हम पूरे यहाँ पर जितने लोग हैं उन सब की तरफ से मैं इनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये यहाँ पर अपने अपने परफॉर्मेंस से अपने इस, मैं परफॉर्मेंस तो कहती ही नहीं हूँ, यहाँ पर जो होता है वो संगीत की अर्चना पूजा यही होता है जो हम बापू जी को बहुत एक सिंसियरली अर्पण करते हैं। और थैंक यू विवेक आप यहाँ पर आए, आपके साथ जो सह कलाकार हैं तबले पर जो रामदास पंसुले जी, जो बहुत एक अच्छा तबला वादक है और पंडित सुरेश सलवरकर जी के शिष्य, एक मतलब पट्ट शिष्यों में से एक हैं, और बापू जी के साथ भी रामदास जी ने बहुत बजाया है। तो मैं उनको काफ़ी अरसे से जानती हूँ। और थैंक यू सो मच, आप अपना नाम बताइए दोबारा। श्रीराज तामन, श्रीराज तामनकर। और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर जो बैठे हैं ये भी इनके नाम में भी सोनार है और सोना है, तो आज बहुत सारा गोल्ड आया हुआ है। और आपका नाम बताइए। राज सोनार। ये सोनार में भी राजा है, क्या बात है, इनका राज है। तो ये विवेक के नेव्यू है और उनके शागिर्द भी हैं, तो प्लीज इनको भी ब्लेस करिए। और हम, आप लोग जानते हैं कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप यंग कलाकार की वाह वाह करें ना करें, दिल से आशीर्वाद लीजिए ताकि उनकी ये राज सुनीली रास्ता हमेशा बना रहे और ये अपने मकाम तक पहुंच सके। सो राज आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जो तानपुरी पे बहुत ही सुंदर एक जो दिख रहे हैं और आने वाले कुछ सालों में हम उनको बीचों बीच देखेंगे, वो है विवेक के सुपुत्र नील सोनार। तो आज देख रहे हैं कि सोनार की तिहाई हो चुकी है। तो नील आपका भी स्वागत है और wishing you all the best for your musical, I would say journey. May you succeed and may you make your father and your guru very proud. All the very best. Thank you. और विवेक आपसे पूछूंगी आप क्या बजाएंगे? आज तो बांसुरी बजाऊंगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, बाकी की बात ये खुद ही बताएंगे। मैं जोर जोर से इसलिए बात करने की कोशिश कर रही हूँ, आई होप यू कैन हियर माय वॉइस। हम, आप लेट होने का रीज़न भी ये था कि हमारा साउंड सिस्टम बड़ा इराटिक हो गया, बीच में ही ऑन हो जाता है, बीच में ही बंद हो जाता है, लेकिन जब ईश्वर की मर्जी होती है तो सब कुछ हर किसी को सुनाई देता है। आप लोग भी अगर हो सके तो हेडसेट्स लगा लीजिए ताकि जो आज खूबसूरत बजाना होने वाला है आपके कानों में, आपके दिलों में, आपके जहाँ जहाँ, जो म्यूज़िक इज़ ऑलवेज अ स्ट्रेस बस्टर, तो ये आप इसको ध्यान से सुनिए और जितनी कोशिश हो सके एम्पलीफाई करिए साउंड को हेडसेट से, या कोई स्पीकर को आप ब्लूटूथ से ऑन कर दीजिए। मैं रिक्वेस्ट करती, मैं यूजुअली करती नहीं, लेकिन कभी कभी जब बहुत ही सुरीले कलाकार आते हैं तो हमें भी थोड़ी मेहनत करनी चाहिए उनका गाना बजाना सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू एंड अ बिग बिग जय हो, जय हो। धन्यवाद दीदी।
आप सब लोगों को प्रणाम। आज बापू जी की सेवा करने का सम्मान मिला है। राग शाम का ही राग है, राग भोपाली। थोड़ी देर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, थोड़ी देर अलाप जोड़, फिर हमारे मित्र आए हैं उनके साथ, श्रीराज के साथ जपताल और तीन ताल में एक एक। माइक्रोफोन फिलहाल ऑन हुए नहीं है, मैं पूरी ताकत से बजाने की कोशिश करूंगा।
Mm-hmm.
छत ताल में एक रचना Thank you.
Thank you.
मन का तो मैंने बजा लिया, आप कुछ फरमाइश है तो बताइए, मैं यदि मुझे पता है वो राग या कुछ मैं बजाने की कोशिश करूँगा। पहाड़ी अभी है और वक्त है मेरे पास, है ना? पहाड़ पर चढ़ने के लिए टाइम लगता है। और कुछ है? आप देखिए, आप ये जो प्रोग्राम है ये हमारे गुरुजी को ये पूजा है। नहीं, मैं भी प्रसाद करने के लिए आया हूँ। और देखिए, आपके मन में है कि आप मतलब जो मिठाई आप चढ़ाना चाह रहे हैं। नहीं, उनकी मर्जी से जो। लेकिन फिर से एक डेढ़ घंटा कोशिश करना चाहिए। अच्छा, ले फिर स्वर का तो गाना ठीक है ना? अब पहले ही आप कोई भी गाना बजे, कौन सी गाना बजे जो आपकी इच्छा चल रहा है। ये इसको चेंज करोगे देन 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 क्या उसमें पंचम करना है, मध्यम करना है? ठीक है, जैसे वैसे देन देन कारण बजाओ या दरबारी का थोड़ा सा मूड हो रहा है, थोड़ा सा थोड़ा दरबारी कारण
जो दीदी ने पहले ही बोला एक घंटा ही बोला नहीं पूछा और फिर मैंने क्या कहा कि हम घड़ी पर है कोई प्रोग्राम नहीं आपकी जितनी मर्जी बजाइए एनीवेज यू माइंड का डिसिप्लिन होता है उसकी बात कर रही बहुत अच्छी क्या बात बहुत बढ़िया थैंक यू बहुत मन से बजा रहे हैं बहुत अच्छा
स्वर अभी भी यहाँ गूंज रहे हैं। हम तो बचपन से लेके आज तक उन्हीं के सुरों पर जीते आए हैं और आगे भी उनका संगीत हमारे साथ रहेगा।
ऐसी जगह पर, इतनी पवित्र जगह पर संगीत सेवा करने का आनंद ही मुझे बहुत बहुत आनंद हो रहा है। आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप आए। श्रीराज कामणकर, राज सुनार, नील सुनार, बहुत मीठा, बहुत मधुर, बहुत ही मीठा, बहुत मधुर और बहुत सुरीला। क्या बात। और बांसुरी वादक विवेक सुनार इन्होंने बजाया और खुशी इस बात की हो रही है कि इनके संगीत में एक समर्पण का भाव था थ्रू आउट। इनके आने से लेकर एक्चुअली, क्योंकि आज स्वर कहीं पे बिजी था तो उसको आने में थोड़ी देर हुई, तो विवेक ने कहा मैं बैठ जाता हूँ, जबकि वो सीनियर है वो। और ये हमारे शास्त्रीय संगीत में बहुत कुछ इसके मायने होते हैं कि कौन पहले गा रहा है, कौन बाद में बजा रहा है। तो ये जो एटीट्यूड होता है कि संगीत में कोई ईगो या कोई होना नहीं चाहिए, और ये मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा गुण मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इनके गुरु का है। ये सीनियरिटी और जूनियर की बात नहीं हो रही, हर चीज़ में वो, आप अगर उनके साथ कभी आपको मिलने का मौका मिले, बहुत लोगों को उनको सुनने का, उनको देखने का मौका मिला है, लेकिन अगर ग्रीन रूम में भी जाए तो वो कंटिन्यूसली उनका हाथ चलते रहता है, उनका कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चलते रहता है। और संगीत की जहाँ बात आती है तो कभी भी वो ये नहीं सोचते कि मैं इतना बड़ा कलाकार हूँ या मेरे से जो छोटे कलाकार हैं उनके उनको ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। उनको हर वक्त हर चीज़ में सबसे पहले संगीत दिखाई देता है, और वो संगीत लेके मैं अपने सारे श्रोताओं को या जो सुनने के लिए जो लोग आए हैं उनके सामने किस सहज भाव से रखूं, ये पहले वो सोचते हैं। ये गुण बहुत बड़ी बात है कि विवेक ने वो गुण भी आत्मसात किया है। तो मैं आपकी इस भावना को लेकर अगर कोई संगीत में उतरता है तो उसके साथ मुझे लगता है भगवान चलते हैं सच ही में। क्योंकि जब ह्यूमिलिटी आपके साथ होती है, जब आप ये सोचते हैं कि मैं संगीत की सेवा के लिए यहाँ आया हूँ और ना ही कि प्रस्तुति देने या कार्यक्रम देने, वहाँ पर आपको पहले ही आप लोगों का दिल जीत चुके होते हैं। तो पहले सांस से लेके आपने जो ये माहौल बनाया है आज यहाँ पर, और यहाँ पर जैसे ही आपने बजाना शुरू किया यहाँ पर पूरा वातावरण आपने बदल दिया, और हम लोग सब के सब एकदम, हमें ये भी नहीं पता चला कि माइक नहीं चल रहा है, इतना सुंदर, इतना खूबसूरत और इतना पवित्र वातावरण आपने भी बनाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और तामणकर, श्री राज तामणकर ना, करें क्या बात है। और बहुत सुंदर बजाया आपने, बहुत ही मीठा बजाया, और जैसे बजाना चाहिए वो भी एक संगत भी में भी एक बहुत खासियत होती है कि आप किस तरह से बजा रहे हैं और कितने सुनकर बजा रहे हैं। ये आजकल मैंने देखा है कि आज की पीढ़ी सुनती है कि कलाकार क्या कर रहे हैं। पहले के ज़माने में लोगों का एटीट्यूड अलग था कि वो तो आलाप में बैठते ही नहीं थे। आलाप जोड़ झाला होने के बाद गद के टाइम पे एंट्री मारते थे और ऐसे रुबाब में एंट्री, और ऑडियंस ताली भी मारती थी, खुश होते थे, और वो आके फिर सीधा ही अपना जो जलवा दिखाते थे। हाथ भी उन लोगों का ऐसा गजब का था, है जो भी, क्योंकि उनका भी संगीत अमल है, लेकिन वो एक जो होता ना आदान प्रदान, जो एक एटीट्यूड, या पहले ही जब आलाप चल रहा है तो उस मूड में ही आप, जब एक एक मूड में, एक सुर में, एक रूप में जब आप आते हैं तो फिर सब एक
इट बिकम्स अ होलसम म्यूजिक. ये मुझे लगता है कि आज की पीढ़ी को सराहना चाहिए, क्योंकि हमेशा हम कहते हैं उस जमाने का संगीत, वो कलाकार उस टाइम पे, लेकिन आज के कलाकार, आज के जमाने के, आज की पीढ़ी के कलाकारों ने क्या क्या पॉजिटिविटी अपने म्यूजिक में, अपने एटीट्यूड में लाई है, उसके लिए भी प्रशंसा होनी चाहिए. और इसके लिए मैं आपकी प्रशंसा. और राज सोनाथ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. जब आप अपने उस्ताद, अपने गुरु के साथ बैठते हैं, कितना बजाना चाहिए, कितना नहीं बजाना चाहिए, कितना बजाना चाहिए वो तो ठीक है, कितना नहीं बजाना चाहिए ये सबसे पहले पता होना चाहिए. सही बात है. कहीं भी आपके गुरु डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, और इतना बजाओ कि उनको राहत के साथ साथ, इट शुड बी अ पॉजिटिव, इट शुड बी अ क्रिएटिव इन्फ्लुएंसर, कि कुछ ऐसी चीज बने कि गुरु को लगे कि मैं अब इस अंदाज में चलूं. वो चीज़ बहुत मुश्किल होती है, वो बहुत ही एक लेवल पे आकर ही आप कर सकते हैं. लेकिन आज जितना आपने बजाया, आपने बहुत उस जगह तक आप पहुंचने का रास्ता आपको दिख रहा है. तो मे यू रियली सक्सीड इन योर म्यूजिकल जर्नी. आपको सुन के मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि ऑलरेडी आपके आगे वाली पीढ़ी दिख रही है. ये क्या बात है, आजकल तो कमाल हो रहा है. एंड नील, आई विश यू ऑल द बेस्ट, और इन सब के लिए बहुत जोरदार तालियां. और पिछली बार स्वर नहीं था, क्योंकि उसके नाना की और नानी की 50th वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो उनकी दोबारा से शादी कराने के लिए वो हरिद्वार गया हुआ था, महाशिवरात्रि थी. तो आज वो अपने नाना नानी की शादी करा के ऑलरेडी आ चुका है, और हम भी बेताब है कि कौन सा नया राग वो हम लोगों को सुनाने वाला है. क्योंकि जब भी आता है एक बहुत बड़ी बात, इसने एक संकल्प जैसे लिया हुआ, और उसका वो संकल्प है ये बताता भी नहीं, मगर हर बार जब म्यूजिकल पूजा होती है तो अपने दिलो जान से कोशिश करता है कि नया राग प्रस्तुत करें. और मुझे लगता है, तुम मुझे करेक्ट मत करना, लेकिन शायद 31 महीने बाबूजी को हो गए हैं, और शायद इसने कुछ दो ही मिस किए हैं अभी तक, तो हर बार 29 बड़े राग, ऐसा भी नहीं कि छोटी बंदिश गा के, ये एक इसने बड़ा एक संकल्प लिया है. और ये भी आज के ज़माने के बच्चे हैं, और ये बहुत ही बड़ी बात है. और कितना अच्छा गाया, कितना नहीं गाया, लेकिन ये सोच के लिए आप उसको आशीर्वाद दीजिए, और कहीं मत जाइएगा, हम यू गए और यू आए, क्योंकि केबीसी भी नहीं चल रहा, आप कहाँ जाएंगे. हमारे साथ ये जुड़े रहिए, एंड वी विल बी बैक इन वेरी 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 ब्रीफ, इन शॉर्ट टाइम. एंड स्वर, प्लीज जल्दी से आ. जय हो, जय हो. कैसे लगा आप लोगों को? जोर से बोलिए, मजा आया ना? तो जोरदार तालियां. बहुत अच्छा है, कमाल बजा. राज की बात ये है कि दोनों तरफ राज. हाँ.